नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संबोधन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के समस्त राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और फिर अंग्रेजी में इसका प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। संबोधन को आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और राजस्थान में जयपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री रेल, सड़क, तेल और गैस तथा शहरी विकास और आवास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसे पीएम गति शक्ति के तहत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुरूप विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:30 बजे जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के साथ शहर में जंतर मंतर और हवा महल सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के जयपुर दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जयपुर के जंतर मंतर क्षेत्र का दौरा किया। भारत का निर्वाचन आयोग आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की विषय वस्तु पिछले वर्ष की तरह वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम है। इस कार्यक्रम में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजर भारत में होने वाले चुनाव पर होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उम्मीद जताई कि युवा मतदाता मतदान करने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि युवा मतदाता मतदान करके शानदार उदाहरण पेश करेंगे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अपने निवास पर झांकियों के कलाकारों, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेट्स तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 25 देशों के युवा संपर्क कार्यक्रमों के कैडेट्स और गणतंत्र दिवस समारोह के जनजातीय अतिथियों से भी मुलाकात की। राष्ट्र के विकास में युवाओं के महत्व को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में युवाओं की ऊर्जा देश को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि देश ने वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प लिया है और इसकी बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसान उत्पादक संगठन के विशेष आमंत्रित लोगों से बातचीत करेंगे। आगामी 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के तनाव और रणनीति को लेकर पीएम मोदी छात्रों को मंत्र देंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3,000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल एसीपी सुरक्षा दीपेंद्र पाठक ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। व्यवस्था के लिए यातायात इकाई, सुरक्षा इकाई और जिला इकाई को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल एसीपी ट्रैफिक जोन 2 HGS धरीवाल ने कहा कि मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए 26 जनवरी को व्यापक सुरक्षा जांच की जाएगी। आज रात 10 बजे से सीमाएं सील कर दी जाएंगी। HGS धालीवाल ने कहा कि भारी परिवहन वाहनों और हल्के माल वाहनों पर रोक रहेगी, इसलिए इस तरफ आने वाले किसी भी व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि रात 10 बजे के बाद कोई आवाजाही नहीं होगी।
एचजीएस धालीवाल ने कहा कि 26 जनवरी को सुबह से ही व्यापक सुरक्षा जांच की जाएगी। निर्दिष्ट पार्किंग के संबंध में यातायात इकाई द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने दिल्ली के कई इलाकों में नाका चेकिंग की। इतिहास में पहली बार दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। गणतंत्र दिवस से पहले श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय परिसर को तिरंगे रंग वाली लाइटों से सजाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस से पहले शहर की हेरिटेज इमारतों को तिरंगे वाली लाइट से सजाया गया। वहीं डोडा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम स्थित अस्मि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त सुधाकर शिंदे ने कहा कि रात 8 बजे भीषण आग लग गई थी। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। ऐसी संभावना है कि किसी विस्फोटक रसायन के कारण आग लगी है। आगे की जांच जारी है। एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री रामलला के दर्शन करेंगे, जो मक्का और वेटिकन सिटी जाने वाले कुल तीर्थयात्रियों से ज्यादा होगा। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अयोध्या धाम एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को पूरा करने में अयोध्या की बड़ी भूमिका होगी। स्टॉक रिसर्च फर्म जैफरीज ने दावा किया है कि वेटिकन सिटी और मक्का से कहीं अधिक अयोध्या में एक वर्ष के अंदर 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में भी ये बात स्पष्ट हुई है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और अन्य पर्यटन गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश को वर्ष 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर संग्रह होने की उम्मीद है। अयोध्या में हुई श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भी लोगों ने देखा। इस अवसर पर हवन, यज्ञ व भंडारे का भी आयोजन किया गया था। वहीं इसके साथ साथ जिला भर में इस शुभ अवसर पर जगह जगह लंगर भी लगाए गए थे। पंजाब में भी कई जगहों पर सिख समुदाय के सदस्यों ने गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया और राम मंदिर स्थापना का जश्न मनाया। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता ही सेवा है अभियान के क्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर में स्वच्छ संकल्प लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र से शुरू हुए स्वच्छ संकल्प प्रोजेक्ट का उद्देश्य रिसाइक्लिंग पर ध्यान देने के साथ जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के बारे में नागरिकों और दुकानदारों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created a app-based system. And online system, so everything is digitized. It's very, very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कहाँ जाएं? टेली मानस के 144-16 पर संपर्क करें। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस हंड्रेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में।
विकसित भारत संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील इलाकों में भी जारी है। प्रदेश के कांकेर जिले के ग्राम पंचायत कढ़ाई खोदरा में सूचना शिक्षा और संचार वैन का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान शिविर लगाकर ग्रामवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब कांकेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर स्थित नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत कढ़ाई खोदरा पहुंची तो स्थानीय लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। इस दौरान धरती कहे पुकार के थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। आज सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने शीतलहर का अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान शीतलहर चलने के साथ ही कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। घने कोहरे के कारण रेल यातायात और विमानन गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार हो गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सालाना मनाए जाने वाले धार्मिक माघ मेला आज से शुरुआत होगा। दूर से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की इसमें डुबकी लगाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। खट्टर ने लुवास के नए कैंपस का उद्घाटन किया और प्रदेश को 2024 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में राज्य पर्यावरण विभाग ने महासागर सफाई जागरूकता अभियान यानी ओशियन क्लीनिंग अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने कुनो नेशनल पार्क में 4 शावकों को जन्म दिया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए इस पर खुशी जताई है। आयुष पद्धति के तहत आने वाले सिद्धा के प्रचार प्रसार के लिए नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में उतार चढ़ाव जारी है। बेंचमार्क ब्रांट क्रूड $80 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि क्रूड ऑयल $74.6 प्रति बैरल पर बना हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2023 में 29% उछलकर 3,656 करोड़ रुपए रहा। बीते वर्ष की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा 2,832 करोड़ रुपए रहा था। हरित इस्पात पहल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक स्टील बनाने की प्रक्रिया में कबाड़ की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा है। स्वीडन ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को देखते हुए विमानन क्षेत्र में टिकाऊ समाधानों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में भी सहयोग की इच्छा जताई है। पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर में 2% से भी ज्यादा की तेजी हुई। कारोबारी सत्र के अंत में बैंक का शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर 46.07 रुपए पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोना चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल सोने का भाव 50 रुपए की गिरावट के साथ 63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि चांदी 300 रुपए उछलकर 76,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। आईटी सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी टेक महिंद्रा का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 4.6% की गिरावट के साथ 13,101 करोड़ रुपए रह गया। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ 52% उछलकर 2,119 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 10 महीने के अंदर कंपनी के फ्रॉक्स मॉडल ने घरेलू यात्री वाहन खंड में 1,00,000 इकाइयों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों को सौगात देते हुए वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती तथा सामान्य प्रजाति का राज्य परामर्श मूल्य 375 और 365 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर दिया है। रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 57% उछलकर 463.66 करोड़ रुपए हो गया। भारत के इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात निर्माण में स्क्रैप के उपयोग पर जोर दिया। इसका कारण यह है कि स्क्रैप और अन्य अपशिष्ट उत्पादों के माध्यम से धातु का निर्माण कम प्रदूषणकारी होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
सार्वजनिक क्षेत्र की इंजन ऑयल कॉरपोरेशन का एकल आधार पर शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की 3 अक्टूबर दिसंबर तिमाही में बढ़कर 8063.39 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। जिया एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने विलय समझौता रद्द होने के मामले में सोनी पिक्चर्स के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा जी ने इस पूरे मामले में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में भी आवेदन दिया है। चीन के दक्षिणी जियांगशी प्रांत में कुछ दुकानों में भीषण आग लगने की वजह से लगभग 25 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। यमन में मौजूद हूती ने अदन की खाड़ी और बाब अल मंदब में कई अमेरिकी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हौती सैन्य प्रवक्ता याहसारिया ने एक बयान में कहा कि संघर्ष के बाद एक अमेरिकी युद्धपोत पर सीधा हमला हुआ और दो वाणिज्यिक जहाजों को पीछे हटने और लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दुर्घटनाग्रस्त हुए रूसी विमान के विषय में पूर्ण स्पष्टता की मांग करते हुए मॉस्को पर युद्ध के यूक्रेनी कैदियों के जीवन के साथ खेलने का आरोप लगाया है। तंजानिया में विपक्ष ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने और चुनाव आयोग में सुधार के लिए संवैधानिक बदलाव की मांग को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन तंजानिया की आर्थिक राजधानी दार एस सलाम में विपक्षी पार्टी फॉर डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेस ने किया। इसराइल के तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोगों ने रक्षा मंत्रालय परिसर के पास पहुंचकर सरकार से मांग की है कि हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उनकी जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी लोग बैनर, पोस्टर और बंधकों की तस्वीरों को लेकर उनकी रिहाई के नारे लगा रहे थे। गजा पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। इस बीच इसराइल के दक्षिणी हिस्से में धमाकेदार विस्फोट हुए हैं। गजा में हमास के बंधकों के रिहाई को लेकर चल रहे ऑपरेशन में इजरायली टैंकों ने खान यूनिस को पार कर लिया है जहां कई फिलिस्तीनियों ने शरण ली है। अर्जेंटीना के यूनियन ने बुधवार को 12 घंटे की हड़ताल शुरू की जिसके साथ ब्यूनस आयर्स में विरोध प्रदर्शन हुआ। यह घटना राष्ट्रपति जेवियर माइली के आर्थिक मितव्ययिता के उपायों का आज तक का सबसे बड़ा विरोध है। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन के नेता ने वॉशिंगटन में उग्र भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पुनर्याचना पर बोली का समर्थन किया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर हमला बोला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन की ओर से दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की। ट्रंप ने भारतीय मूल की प्रतिद्वंदी निक्की हेली को मात दी। इस जीत के साथ ही ट्रंप ने 90% से अधिक वोटों के साथ दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली पर लगभग 12 अंकों की बढ़त बना ली है। हालांकि निक्की अभी भी राष्ट्रपति पद के रेस में बनी हुई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज हैदराबाद में खेला जा रहा है। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 6 बार के विश्व चैंपियन और 2012 ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है। 41 वर्षीय मैरी कॉम ने कहा कि वे अभी भी एलिट लेवल पर खेलना चाहती हैं, लेकिन एज लिमिटेशन की वजह से उन्हें रिटायर होना पड़ रहा है। तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब तक 21 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। वहीं 18 स्वर्ण पदक के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर जबकि तमिलनाडु के खिलाड़ी 16 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर काबिज हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है, जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच में कोर्ट पर उतरेंगे। पुरुष एकल स्पर्धा के अंतिम 16 में लक्ष्य का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से होगा। वहीं भारत के किरण जॉर्ज आज खेले जाने वाले एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल मैच में चीन के लू गुआंगजू से भिड़ेंगे। किरण जॉर्ज पहले दौर में तोमा जूनियर पोपोव को 18-21, 21-16, 21-19 से मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। इंडोनेशिया मास्टर्स के एक अन्य पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में प्रियांशु राजावत का सामना आज कनाडा के ब्रायन यांग से होगा। वहीं भारत के एचएस प्रणॉय को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। सातवीं वरीयता प्राप्त प्रणॉय को सिंगापुर के लो किन यू ने 21-18, 19-21, 21-10 से हराया। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को लगातार दूसरी बार पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। सूर्य कुमार यादव इस साल टी20 रैंकिंग्स में शीर्ष पर बरकरार रहे। वहीं वेस्ट इंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज को महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। मैथ्यूज महिला क्रिकेट में इस साल टी20 में अग्रणी बल्लेबाज रही और 14 टी20 मैच में 700 रन बनाए। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को आईसीसी एमर्जिंग पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड को एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। नीदरलैंड्स के ऑलराउंडर बास डे लीड को आईसीसी पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। महिला वर्ग में ये पुरस्कार केन्या की कप्तान क्विंटर एबेल को मिला। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल अब नेटफ्लिक्स पर आएगी। 26 जनवरी को इसे घर बैठकर देखा जा सकता है। जूनियर एनटीआर जानवी कपूर और सैफ अली खान की फिल्म दीफारा की रिलीज तारीख आगे बढ़ा दी गई है। संजय लीला भंसाली नई रणबीर कपूर आलिया भट्ट और विकी कौशल के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म लव एंड फॉर की आधिकारिक घोषणा कर दी है। हृतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर आज सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म लापता लेडीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अभिनेत्री श्रुति हासन अपनी आगामी फिल्म चेन्नई स्टोरी को लेकर चर्चा में है। भारत और यूके की साझेदारी में बन रही इस फिल्म को बाफ्टा पुरस्कार विजेता फिलिप जॉन निर्देशित कर रहे हैं। अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म शैतान की तैयारियों में व्यस्त है। हाल ही में अजय ने फिल्म का पहला लुक जारी करते हुए बताया कि फिल्म का टीजर आज जारी किया जाएगा। काफी समय से सिल्वर स्क्रीन से नदारद रहने वाले अरबाज खान बहुत जल्द नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। बहुत जल्द अरबाज खान सिनेमा वाला प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म सेक्शन 108 में धमाल मचाते नजर आएंगे। प्रियंका चोपड़ा बहुत जल्द हॉलीवुड की फिल्म द ब्लफ में नजर आने वाली हैं। रिपोर्ट की माने तो 800 के दशक पर आधारित इस पीरियड ड्रामा फिल्म को प्रियंका ने साइन कर लिया है। दिव्या खोसला कुमार की आगामी फिल्म हीरो हीरोइन का पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म का निर्माण हिंदी के साथ ही तेलुगु भाषा में भी किया जा रहा है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। विटिलिगो यानी त्वचा पर सफेद